सास माँ। तो भाई साहब का जो आगे आगे हम यानी कि माता के मेरे नॉट अच्छा नहीं है शरीर के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम और मेरे छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। मैं हूँ उत्तराखंड देहरादून से और मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजने के लिए 7 मिनट शेष हैं और नैन्सी के बिस्तर सही करते हुए तो कमरे से मिले। तो जैसे कि आपको पता है आपने कल के व्लॉग में देखा मेरे पतिदेव जी चले गए हैं, तो आज मेरी जिठानी जी आ रही है। काफ़ी टाइम से आपने उनको व्लॉग में नहीं देखा, तो फाइनली वो आज घर आ रहे हैं। वो जैसे कि जब नाना जी गुजरे थे तो तब गई थी वहाँ ना, तो तब से वो अब आ रही है। तो चलो आज उनसे मिलेंगे फाइनली, कितने टाइम बाद। हाँ बहुत मिस किया मैंने काजू को, आज फाइनली वो आ रही है। 2-4 मुक्के मारूंगी पहले। तो बस हमने आज रखे हैं आलू उबालने के लिए, तो आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। रे नैन जी, तो फिर भैया को बहुत पसंद है आलू के पराठे, तेरे को? गुड, सच्ची तेरे को इतने पसंद है? रोज ही खिला लोगी मेरे को, मतलब हाँ ठीक ठीक है, पर मुझे ज्यादा मूली लौकी ऐसे पराठे ज्यादा पसंद है, डबल वाले, है ना। तो चलो देखते हैं, सासू माँ भी बाहर ही बैठे हैं। सास माँ, सास माँ नींद आएगा तुम, क्या बना तुमको? खिले तबियत ठीक चा? तबियत ठीक चा? चलो ठीक, पुलाव बनाना हम लोग को, चलो ठीक। इसमें ऐसा नशा तो हो रहा था मेरे को सोने का, सब सो गए आज घर में। यानी कि मटर के मेरे भून चुके हैं बिल्कुल, तो ये 15 मिनट लगी सब पुलाव और इसमें रखने की चाहिए। तो हमने खाना खा लिया, डन हो गया, लाइन से लग गए। अब काजू में आने वाली है, जेठ जी चले गए काजू को लेने। हम कर रहे हैं काजू का इंतजार, गाइस खा लो, यहाँ खिलाएगा यहाँ कैमरा है। ना बाद में खाओ, हम कर रहे हैं काजू का इंतजार यहाँ पे बैठ के। तो दोस्त हम ऐसे ही बाहर आए, इसने बोला कि भाभी अंदर मुंह काला रहा, मैंने कहा चल धूप में, चल धूप में साफ आता है फोन में। तो हम दोनों धूप में आए, तो ये मुझे ये खिला रही थी, मैंने कहा नहीं ज़्यादा मीठा नहीं खा रहा। तो इसने बोला कि क्यों, कुछ पता नहीं क्या बोले, इसमें खुजली हो जाएगी ऐसा कुछ बोला था पता नहीं क्या। मैंने कहा नहीं ज़्यादा मीठे से तू भी मत खा, हार्ट अटैक खाने की संभावना ज़्यादा होती है चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक। तो आप लोग भी ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हो, थोड़ा कम करें चॉकलेट खाना, नॉट अच्छा नहीं है शरीर के लिए। मजा आ गया नहीं, वो तो रियलिटी है कि अच्छा नहीं। मैं हंसी इसलिए कि मैंने इंग्लिश बोलने वाली थी पर मेरे से बोला नहीं गया, मेरे को आया नहीं तो मैंने हिंदी में बोल दिया है ना। तो ये है नॉट गुड योर हेल्थ, गुड माई हेल्थ, गुड फॉर माई हेल्थ। तो बेटा एक और बढ़िया एक के बारे में पूछ ले, पता चलेगा गुड योर हेल्थ। कल जब इतने इतने दाने निकलेंगे मुँह पे, सही बोल दो, दाने के नाम से एकदम हो जाती हो। तो अभी हम काजू का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा मस्ती भी कर रहे दोनों। जब तक काजू आती है ये बोल रही मेरी एक वीडियो बनाओ, इसकी वीडियो बनाती हूँ मैं, देखो। हाँ तो भाई साहब काजू आगे आगे हम वेट कर रहे हैं, ये फोन गिरा दिया इसने अपना, जल्दी आ गया। मैंने सोचा वो आ गई पर वो आई नहीं अभी। वो भी सासु माँ क्या कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कुछ फिर बना रही वीडियो। आगे 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 काजल रानी आ गई, फिर वो देख रही है कैमरा लेके पहले आ गई, ये पता नहीं क्या कर रही है, अपने बुआ को मड़का रही है। आ गई हमारी बहन काजल, आ गई बहन काजल।
इसके बर्थडे की चॉकलेट बची हुई थी इतनी बड़ी इतनी मोटी चल ठीक हम ही थे बाकी पंकज आया था बस सब कुछ बढ़िया था तेरी कमी महसूस हुई हमें हम बड़ा वाला डैग लिया हाँ उस पे कलर रह रहा है सिर्फ गम गम कर रहा साढ़े चार हजार की 5,000 का 5,500 का खा ले कैसा लगा हमें तेरे व्यूअर तेरे को मिस कर रहे थे गाँव में तो ठंडा ही है शाम के कितने बजे रहे 7:45 टाइम हो गया और हम दोनों बैठे हैं काजू के मैं वो लाई थी मंगलसूत्र ले आई होप यू लाइक इट ले भाई काजू ये वहां ना यहाँ ये 30 रुपए का एक है राम है 50 रुपए का 6 लेके आई तेरे लिए भाभी के लिए दोनों भाभियों के लिए रमदी के लिए इसके लिए उसका भी मेरा भी है मैं अपना घर भूल के आई हूँ ऐसे ही वाला था ना पर वो थोड़ा बड़ा था ना साइज मुझे लगता है ये इसका प्लास्टिक ज्यादा अच्छा है पता ये वाला भी मेरा 30 का है गिरेगा घुरेगा टूटेगा नहीं ये लिखा होगा उसपे बड़ा लगा एक अपने ले लिया एक तेरे लिए पर मेरा दूसरा डिजाइन है मेरा कुछ ऐसा डिजाइन है देख पहन रखा मैंने उसके लिए पहना था वीडियो बनाई थी तेरे को दिखाऊं कौन सा कौन सा लगा एक ही लाइक कैसा कैसा लगा अच्छा लगा बढ़िया ठीक लगा चल बढ़िया तेरे को पसंद आया तेरा के लिए पूछ नहीं अच्छा तो भाई साहब इतने सारे गप्पे मार लिए हमने करेक्ट 9 बज गए हम यहाँ पे 7:30 बजे आए थे ना देख रहे मैंने ऐसे बोला था बड़ी वाली लाइट जला दी ये वाली मैंने कहा तो जलाएगी नहीं तो इसने फ्लैश जगा दिया मेरे मुंह पे तब नैन्सी को मैंने कहा कि दिन का पुलाव बचाया था भैया ने बोला मेरा मन नहीं है खाने का काजू ने अभी शाम को आके खाया था तो काजू ने भी बोला मेरा मन नहीं है हालांकि अब काजू थोड़ा थोड़ा खा रही है मेरे कटोरे से उस टाइम बोला कि नहीं मुझे नहीं खाना वरना हमने खाना बना था सासू माँ ने कहा मेरी इच्छा नहीं हो रही खाने की उन्होंने दाल पिया ना तो तब मैंने कहा नैन्सी को मैं और नैन्सी पुलाव खा लेते पुलाव बचाया मैंने नैन्सी को बोला गर्म करके लाओ तो ले आई थी चट ब्लू मान दिया था इसने मेरा तो बस मैं और काजू तो एक ही कटोरे से खा रहे हैं लेकिन ये नैन्सी अलग कटोरे में खा रहे हैं काजू ने बोला मैंने थोड़ा सा खाना मेरा मन नहीं है पर काजू ने मेरे से ज्यादा खा लिया ऐसे होता है ऐसे होता है जब हम साथ में बैठते हैं ना तो फिर खाया जाता है ना बस बाकी काजू मेरे गले में टाकर थोड़ा देते हैं बाकी दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा जिठानी जी घर आ गई हैं चलो खुशियां मनाओ और बाकी सब ठीक ठाक मैं तो ठीक है तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं उम्मीद करते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए टाटा।